आई थिंक लास्ट चैप्टर सब तो पहला वर्ड के हम जा रहे हैं वो हैगा रिजाइन. सो रिजाइन बहुत हाई वोकैब द वर्ड इधर मींस गवर्नमेंट. हुण असी कह रहे हैं आप जिवें कीता सीगा लास्ट वोकैबरी सेशन दे विच शुड दे सिनोनिम नो शुड दी जगह ते असी आउट टू वर्ड लेके जावांगे राइट. हुण मैं कह रही कि गवर्नमेंट नु चाहिदा है कि वो स्ट्रिक्ट लॉ जेडे आ इंप्लीमेंट करे. इंप्लीमेंट करना मींस लागू करना राइट. हुण रिजाइन दा सिनोनिम असी कह रहे हैं गवर्नमेंट. असी इहदा एक होर सिनोनिम करांगे that one is a legislation. So always try to memorize high vocabulary words. So government बहुत random word हर बच्चा speaking दे विच writing task 2 दे विच government word नो बहुत ज़्यादा use करता है because in the writing task 2 जगह सी body paragraph second दे विच जाइए जरूर सी दसना हो कि government नो एक करना चाहिए था solution दसने और उसे government word सब तो ज़्यादा use होंगे. सो बच्चे इधर synonyms नहीं लिखते. सो इधर जगह तो सी resign लिखेंगे. resign means government जेरी पार चुन दिया right. second इधर synonym असी legislation लिखेंगे. जेकर होर भी तरह synonym चाहिए तो असी authority लिख सकते हैं, ministry लिख सकते हैं. ये सारे synonym तो असी use कर सकते हैं. second word rigorous. हुने जिम मैं repeat की थी सी line की government out to implement some strict law right. होने rigorous means difficult. difficult means strict. government नू की चाहिए था कुछ strict law जेड़े implement करे. rigorous law difficult ते बहुत common word है. इन्हों से नहीं use करेंगे जी मैं सी government बहुत common word ले आया. so strict और rigorous. strict भी normal word है but rigorous high vocab the word है जिन्हों से writing task 2 दे विच speaking दे विच जित्थे भी तुसी चाहो listening दे विच भी word use हुंदा है. so सानू meaning बताना चाहिए था. सो थर्ड वर्ड इज इंटेंसीफाई. लेट्स सपोज कि असी कोई एक अपनी ओपिनियन दिती है इन द राइटिंग टास्क टू. असी एक आइडिया नु मेंशन करता है फिर असी कहने हैं कि टू स्ट्रेंथन दिस व्यू पॉइंट. ओ जगह ते असी जदों पॉइंट नु ज्यादा एलैबोरेट करना होवे उथे असी लिख सकदे टू इंटेंसीफाई दिस व्यू पॉइंट और ओपिनियन व्हाटएवर राइट. सो फोर्थ वर्ड इज वेरी इंटरेस्टिंग दैट वन इज अ पॉपुलस. पॉपुलस मींस पीपल. ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਰੈਂਡਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਰਾਈਟ. ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ. ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਪਾਪੂਲੇਸ ਆਪਾਂ ਪਾਪੂ ਪੀਪਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ. ਸੋ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਵਰਡਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ. ਅਸੀਂ ਡੈਨੀਜ਼ਨ ਔਰ ਡਵੈਲਰ ਵਰਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ. dwellers, denizens, multitude, masses, inhabitant. so ए वर्ड असी people दी जगह ते यूज कर सकते हैं. so last one मैं पहले mention कर चुकी हूँ should, have और ought to. ए वर्ड ते माइंड दे विच बिल्कुल write down हुए होने चाहिए जो भी तुसी writing task